जिस हिसाब से कुड़मी समुदाय ने अपना रेल रोको आंदोलन करके अपना हक अधिकार मांगने का बात कर रहे हैं, और अपना पुराना जो एसटी सूची में शामिल थे अब नहीं है, उसीलिए वो अपना हक मांग रहे हैं सबका। आप राजनीति से हैं, आप राजनीति से यानी झारखंड सरकार के पूर्व विधायक और सा मंत्री भी रह चुके हैं, तो हम आपको राजनीतिक सवाल पूछेंगे दो बात। जोहार, नमस्ते। पब्लिक एक्शन न्यूज़, जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। आज हमारे न्यूज़ में हमारे झारखंड की सरकार के पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव जी हैं, और उनसे हम लोग आज संवाद करते हैं। आज का जो ये मुद्दा चल रहा है, जो कि कुड़मी समुदाय अब एसटी सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और इसके तहत आज कोलाना एकता मंच के तहत कि जो भी यानी कि पूरे आदिवासियों ने अपना आवाज़ बना रहे हैं कि इन सभी को आदिवासी यानी कि एसटी सूची में शामिल होने नहीं देंगे, इस प्रकार का बात है। और इन्होंने कई न्यूज़ में ये कि आज हमारे पहला बार हमारा न्यूज़ में आए हैं, आज हम लोग संवाद करते हैं। आप सबसे पहले तो परिचय दे दीजिए ताकि हमारे नए गेस्ट को। धन्यवाद मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए। मेरा नाम गीता श्री उरांव है और मैं पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार रह चुकी हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कला विभाग, खेलकूद और युवा कार्य भी था। साथ ही साथ मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, एक राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है और देश की सबसे पुरानी जो आदिवासी संगठन है उसकी मैं झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, मैडम जी ने परिचय अपना दे दी है, अभी हम लोग सवाल करेंगे। सवाल ये है कि मैडम जी, जिस हिसाब से कुड़मी समुदाय ने अपना रेल रोको आंदोलन करके अपना हक अधिकार मांगने का बात कर रहे हैं, और अपना पुराना जो एसटी सूची में शामिल थे अब नहीं है, उसीलिए वो अपना हक मांग रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग इस पे विरोध कर रहे हैं, आदिवासी समाज यानी कि एसटी सूची में जो शामिल हुए हैं, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध करने का कारण कई हैं। वो इसलिए क्योंकि जिन दस्तावेजों को दिखाया जा रहा है वो सही तरीके से अगर देखा जाए तो वो आदिवासी लिस्ट के बारे में नहीं है, वो सक्सेशन एक्ट के बारे में था, जिसमें जो भी आदिवासी या फिर अन्य समाज जो अपने ये उत्तराधिकारी का जो नियम जिस तरह से पालन करते हैं अपने समाज में, उसकी एक लिस्ट निकली थी जो 1913 का जो गेजेट नोटिफिकेशन था उसको ये आधार बना रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा जो है षड्यंत्र के तहत हम लोग तब तक शामिल थे 1913 तक, और उसके बाद हमें गायब कर दिया गया लिस्ट से। तो मेरा तो सवाल है इनसे कि आपके जैसे इतने सशक्त और इतने सक्षम समुदाय जो आर्थिक रूप से भी इतने संपन्न रहे हैं, आप कैसे लिस्ट से गायब हो गए और बाकी जो लोग अभी तक बने हुए हैं वो कैसे लिस्ट में बने रहे? तो बात तो ये है कि षड्यंत्र इन्होंने खुद ही अपने खिलाफ़ में किया। एक तरह से देखा जाए इन्होंने खुद ही जो है लिख के दिया ये जो ब्रिटिश हुकूमत को कि हम लोगों को किसी कारणों से गलती से जो सूची में डाला गया है तो हमें सूची से हटाया जाए। अच्छा, मतलब है कि अपना समुदाय को वो लोग एसटी सूची में शामिल था, वो लोग उनके बाद ये लोग अपना अपने से लिख के दिया कि हटाया जाए, है ना? देखिए, थोड़ा इतिहास में हम लोग पीछे जाएं तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर, मतलब जब वो आए 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी के जो अंतराल में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर पदार्पण हुआ, और जब इन्होंने यहाँ पर हमारे अपने मानभूम एरिया, छोटा नागपुर एरिया में यहाँ पर इन लोगों ने जो अपना प्रवेश किया, जो एक अंग्रेजी हुकूमत को का प्रसार करने के लिए, तो जो अंग्रेजी हुकूमत के जितने भी अफसरान थे वो लोग मतलब ये उन्होंने नीति अपनाई थी कि लोगों के बीच में घुल मिल के रहना है, और मतलब जो भी है तथ्य वो लोग लिखते रहे। आप लोगों ने देखा होगा कई वो लोग पेंटिंग्स भी बना रहे थे, और फिर वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, जो भी उस भूभाग में रहने वाले जो समाज के समुदाय के उसके बारे में वो लोग लिखते थे। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक किताब पढ़ी है, क्राइसिस इन छोटा नागपुर,
जिसमें है तो वो मिशनरीज़ के जो जिस तरह से उन लोगों का काम प्रचार प्रसार का यहाँ पर हुआ, मगर उसमें ये बात उल्लेख बार बार हुआ है कि फला फला ने, जिस भी अफसर ने ये लिखा है, तो उनके हम जो हैं तथ्यों को हम बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, क्योंकि कई लोगों के सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशंस पे भी रिकॉर्ड्स बने हैं, सर्वे रिपोर्ट्स बने हैं, और उनको सही नहीं पाया गया बाद में। तो इसी तरह से अब ये उनका हमेशा उल्लेख करते हैं, जैसे कि मुझे ही ट्विटर के माध्यम से ये लोग दिखा रहे थे कि ये ऑस्ट्रिक रेस में का हिस्सा रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद ये दिखा रहे थे द्रविड़ियन रेस का हिस्सा रहे हैं। तो एक ही साथ दो रेस के हिस्सा तो नहीं हो सकते हैं, या तो ये ऑस्ट्रिक रहेंगे या द्रविड़ियन रहेंगे। आर्यन तो ये हैं ही अपने जो पुराना जो इनका, क्योंकि इनका जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह से यहाँ पर इनका आना आगमन हुआ, तो आर्यन रेस ही रहे हैं ये बेसिकली। और इनका पहले बिहार, यूपी इस तरफ भी इनका जो कृषि के जो एक जो इनका जो मुख्य व्यवसाय ये आधार रहा है जीवन का, उसके आधार पे इन लोगों की बसावट होती गई। और इसी तरह से इनका जो है कुछ दस्तावेज मुझे ऐसे भी मिले हैं जिसमें खुद जो बिहार की कुड़बियों ने ये लिख के दिया है कि जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब आपका, और क्योंकि झारखंड कई खनिज पदार्थों का प्रदेश रहा है हमेशा से, जिनको अंग्रेज बहुत पहले, क्योंकि वो बहुत ही उच्च तकनीक से चलते थे, तो उन लोगों को बहुत पहले से मालूम था कि आदिवासी जहाँ जहाँ बसते हैं वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, जो खनिज पदार्थ बहुत हैं। तो उसके लिए इन लोगों को जो जैसे कि यहाँ के आदिवासियों को असम ले जाया गया, बंगाल ले जाया गया चाय के बगान में खेती कराने के लिए, तो दूसरे राज्यों से भी लोगों को लाया गया यहाँ पर काम करवाने के लिए। ये सारे बहुत सारे तथ्य अलग अलग तरीके से मिले हैं। और जो ऐसे देखा जाए तो ये तो पूरा ही जो है देश जो आदिवासियों का था, अलग अलग समय पे लोगों का यहाँ पर आक्रमण और आगमन होता रहा, तो लोग जो जहाँ जहाँ भी बसे तो अपने हिसाब से भी चले, और थोड़ा बहुत जो लोकल जो दूसरे लोगों का भी उन्होंने कुछ कुछ ग्रहण किया है। बिल्कुल, आगे एक दो सवाल और रहेगा कि क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का, आप राजनीति से हैं, आप राजनीति से यानी झारखंड सरकार के पूर्व विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, तो हम आपको राजनीतिक सवाल पूछेंगे दो बात। राजनीतिक सवाल ये है कि अभी जिस हिसाब से हमारे एसटी का जो सीट है, अभी 28 सीट है, उन लोगों का कहना है कि अगर मातो भी अगर यानी कुड़मी भी अगर आदिवासी बन जाते हैं तो लगभग लगभग 40 सीट जो यानी कि बहुमत के आसपास, यानी कि आदिवासी बहुलक होने के नाते ये आदिवासी राज्य बन जाएंगे। और साथ साथ में जिस हिसाब से देखा जाए कि आपका पूरा पूरा बहुमत आदिवासियों का हो जाएगा, यानी कि आदिवासी सरकार हो जाएगा, तो इस प्रकार का रणनीति बनेगा, तो इसमें आप लोगों को आदिवासी में यानी कि आप लोगों का विरोध करने का, ये बात किन राजनेता ने ये बात कही है, किसने कही है? मुझे तो इस बात पे मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि झारखंड राज्य तो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, आदिवासी राज्य है ये ऑलरेडी संवैधानिक रूप से, जो संविधान के आपसे 244 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत झारखंड को यहाँ के अपनी जो इतिहास के हिसाब से, जो हमारी अपनी सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था रही है, रूढ़िवादी परंपरा रही है, जो आदिवासियों का आदिकाल पे यहाँ पर जो निवास रहा है, उस सबको देखते हुए इसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिल चुका है। और असल में जो ये कहते हैं 75 साल से हम लोग इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 75 साल से कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा इन्होंने खुद ही बाहर जाने की अपनी इच्छा की थी, क्योंकि ये कभी रहे आदिवासी तो है ही थे ही नहीं, ये क्यों कर शिवाजी महाराज को अपना पूर्वज मानते हैं, ये क्यों कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना पूर्वज मानते हैं? हमारे इस राज्य के बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं महतो समाज के, टेकलाल महतो जी, उनके सुपुत्र और उनके परिवार के कई अन्य लोगों ने पटेल सरनेम जो है अपनाया हुआ है, क्या कारण है? हाँ, वो महतो ही क्यों नहीं रहे, वो पटेल क्यों हो गए? और पटेल जो हैं पाटीदार, यानी वो भी कुर्मी
समुदाय के ही लोग हैं। जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों का कहना ये है कि हम लोग चलिए ठीक है कुछ हिंदू ये रीति रिवाज को अपना रहे हैं, आप लोगों का आदिवासी भी तो क्रिश्चियन में अपना रहे हैं और हिंदू में भी तो जा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए इसमें जो है ठीक है, वो तो इसमें संविधान में ये दिया गया कि कोई भी किसी भी धर्म में जा सकता है। ऐसे तो बोले तो ब्राह्मण भी बहुत सारे लोग जो हैं क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ब्राह्मण्स भी जो हैं बहुत सारे हैं जिनसे हम लोगों की मुलाकात भी होती है। तो ये तो जो उसमें संवैधानिक अधिकार दिया है कि कोई कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। तो हिंदू का तो देखिए, जहाँ तक आदिवासी समाज का जो अपना जो रूढ़िवादी परंपरा रहा है, सारा कुछ रहा है, हम लोग प्रकृतिवादी रहे हैं, वो आज भी यथावत है। मेजॉरिटी वाला जो है परसेंट जो है आज भी उसी में चलता है। कुछ लोग जो हैं दिग्भ्रमित होके या फिर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के षड्यंत्र के तहत शिकार होके उन लोगों का जो है ब्रेन वॉश हुआ है और वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं हिंदू मानते हैं या उस परंपरा संस्कृति में मानते हैं। अगर मान लेते हैं सारा अपना धर्म मानते हैं मगर आदिवासी हैं ये जरूर जानते हैं। ये चीज़ भी है, वो आदिवासी अपने आप को जानते हैं मगर वो कहीं ना कहीं ये मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर नहीं है कि वो क्या मतलब उनको कौन से धर्म में रहना चाहिए। हाँ, और जहाँ तक ये संख्या बल की बात कर रहे हैं तो ये तो उल्टा होगा। यहाँ तो मैं तो समुदाय ही जो है असली आदिवासियों को किनारे करके इनकी ही राजनीति पे पूरा आधिपत्य रहेगा। क्यों? जब ये पेशा कानून में जब ये बातें आई थी, जब उस जिसमें एक्ट ये आपके पार्लियामेंट हाउस के पटल पे ये रखा जा रहा था कि वहाँ पर ये बातें आई कि आदिवासियों को ही अनुसूचित क्षेत्रों में जो उनको मतलब जो है प्रतिनिधित्व का जो है पूरा अधिकार मिलेगा, उस समय यही जो हमारे पूर्व सांसद रहे हमारे रामटहल चौधरी जी जो कुर्मी समाज के हैं और जिन्होंने रांची के बूटी मोड़ में शिवाजी महाराज का जो है मूर्ति स्थापित की है, दूसरा जो शैलेंद्र महतो जी वो भी सांसद उस समय थे, साथ में ही थे ये लोग, और इन लोगों ने इस बात को लेके बहुत कड़ा विरोध किया था। ठीक है, ये झारखंड बनने से पहले की बात थी। झारखंड बनने के बाद जब ये बात स्थापित हो गई कि एक पांचवी अनुसूची का राज्य है का दर्जा मिल गया और जब ये भी बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर कोई एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा, तब से इन्होंने अपना जो है पासा पलटा है और कयावत तब से शुरू हुई है। इसीलिए 2001 में क्यों नहीं बिहार के रहते हुए इन्होंने विरोध किया, जब आज़ादी के बाद में जब इनको ओबीसी के उसमें सीधी तरह से लिस्ट में डाला गया था उस समय भी तो विरोध कर सकते थे, चुपचाप रहे क्योंकि इनको कोई उस बात से आपत्ति ही नहीं थी। उस समय तो कोई तिलमिलाहट या छटपटाहट नहीं थी कि हम भी आदिवासी हैं हमको क्यों ओबीसी में डाला गया। इन्होंने कभी इस तरह की कोई कयावाद नहीं रखी। झारखंड बनने के बाद इनकी जो राजनीति इनको लगी कि अब सबके सब जो आदिवासियों के हाथ में चली जाएगी, यही जो सर्वोच्च स्थान पर बैठेंगे, तब इन्होंने पासा पलटा है और तब से इनका ये शुरुआत हुआ है। 2004 में जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मोराबादी रांची का जो आया है उसमें स्पष्ट रूप से इनको जो है जो इनका दावा है कि हम टोटेमिक ट्राइब्स हैं, ये इस बात को खारिज किया है और इनका जो है हिंदू के जो गोत्र होते हैं बहुत सारे भारद्वाज और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इस तरह के इन लोगों के जो हैं गोत्र हैं। अभी जब इन लोगों ने देखा कि टोटेमिक बनने के लिए आपको इस तरह के गोत्र बनाने होंगे, तब ये कडुआर और टुडियार या इस तरह के जो हैं जो मूल रूप से अपने ही कुछ इन्होंने संताल के गोत्र से इन्होंने अपना बनाया है, कुछ उरांव के उसमें से बनाया है, कुछ मुंडा के उसमें से बना जुला के इन्होंने 81 अपने गोत्र तैयार कर लिए हैं। अच्छा, तो इतने साल बिलाना तैयार किए हैं, ये कब तैयार किए मालूम नहीं मगर ये लिस्ट अभी दिखने लग गए हैं। पहले नहीं दिखते थे, पहले नहीं दिखता था। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम से ही जब सुनने, क्योंकि हम लोग जब ये स्थानीय नीति और ये जो 32 का खतियान के लिए जो हम लोग भाषाई आंदोलन के लिए एक साथ चल रहे थे, तो उस समय मैंने ये सब सरनेम पहली बार सुने, उससे पहले कभी नहीं। मैं तो मेहता पटेल यही हम लोग जानते थे और चौधरी, मगर ये इस तरह के जो सरनेम पहली बार हम लोगों को सुनने के लिए मिले तो मेरी भी चौंकने की बारी आई थी। तो फिर तब नहीं पता था, ऐसे तो लग रहा था कि क्योंकि इनकी तो हमेशा से यही कोशिश रही है,
मगर इन्होंने वही किया, जैसे स्थानीय नीति का जब घोषणा इधर से हुआ सरकार के द्वारा, राज्य सरकार का, इनका पहला रुक मतलब फटाक से ये लोग ने रेल रोको अभियान के को वो करते हुए इन्होंने अपनी मांग को रख दिया इस तरह से, जो कि सर्वथा गलत है। और ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल बहुत ज़बरदस्त था इसमें, और केंद्र की सरकार का भी कहीं ना कहीं से इसमें समर्थन था, क्योंकि 5 दिन तक इन्होंने रेल रोकने का अभियान किया, लाखों यात्रियों को असुविधा हुई, सैकड़ों ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया, बंद किया गया, परिचालन बंद हो गया, मगर इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने CNT एक्ट के जो विरोध में जो संशोधन लाया गया था रघुवर दास उनकी सरकार के दौरान, तो मैंने 6-7 बार जो रोड जाम किया इसके उसके विरोध में, तो मुझे 6-7 बार गिरफ्तार किया गया। उन लोगों का कहना है कि आप एक बात उन लोगों का कहना है कि हमारा जन समर्थन, यानी कि हमारा जो जन समर्थन मतलब लोग बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए सरकार हम लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस समय क्या, जब CNT, हाँ जब CNT एक्ट में संशोधन हो रहा था तब कहाँ थी ये? जब हमारी अपनी आदिवासी बच्चियों के ऊपर जो अगर बलात्कार या इस तरह की हिंसा होती है या कोई मारकाट होता है, उस समय तो ये चुप रहते हैं, ये तो विरोध नहीं करते हैं। अगर इनकी भावना कहीं ना कहीं से अंदर से रहती तो ये ज़रूर भी उस तरह का अपना प्रदर्शित करते, मगर इन जब से ये इस तरह का जो बवाल उठा है उस रेल रोको अभियान के बाद, हमने तो खैर मेरे पास तो क्योंकि मैं परिषद की अध्यक्ष हूँ, मेरा ऑफिस है और वहाँ पर जो है सभी आदिवासी समुदाय के लोग अपनी अपनी समस्या और शिकायत लेके आते हैं, तो 18, 19, 20 का मेरे पास वो कागज़ है, शिकायत पत्र है, जिसमें इन्होंने मुंडा समाज के ऊपर जिस तरह का अन्याय किया है, तो वो पुलिस केस वगैरह का भी पेपर्स है मेरे पास में, जिसमें स्पष्ट रूप से इन लोगों ने भेदभाव अपना किया है, सिल्ली के जो है, मूरी के जो है आदिवासी मुंडा समाज के लोगों को सार्वजनिक कुएं से पानी इन लोगों ने लेने के लिए जो है ये लोग रोक रहे थे और उसी में इन लोगों की मारपीट हुई थी। तो इस तरह का जो भेदभाव, और ये जब से हुआ है तब से लोग आके बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि किस तरह का भेदभाव इन लोगों ने समय समय पे झेला है इन महतो समाज के द्वारा, कुड़मी समाज के द्वारा, इसीलिए लोगों में इतना आक्रोश है इस बात को। ये कोई राजनीतिक हमारा कोई वो नहीं चल रहा है जिस तरह से इन लोग का प्लांट वे में, यहाँ पर लोगों ने इतने सालों तक महसूस किया है और इसीलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई आदिवासियत वाली कोई बात ही नहीं है, ये हमसे कभी भाईचारा का कभी भी कोई इन्होंने नाता नहीं रखा, रोटी बेटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो अभी जो इनका जिस तरह की मांगे और बातें ये लोग कर रहे हैं, उससे ये साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास जो भी दस्तावेज, जैसे कि मुझे ये एक बार दिखा रहे थे, वही मैंने कहा ना ऑस्ट्रिक फिर द्रविडियन, तो मैंने इनसे सवाल किया कि कभी आप ऑस्ट्रिक हो जाते हैं कभी द्रविडियन, तय तो कर लें कि आप कौन से रेस से हैं, या आर्यन तो आपका है ही प्रमाणित। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बार बार आ रही हैं, मगर ये फिर भी एक चीज़ है, आदिवासियों में अगर किसी का किसी से किस बात से कोई मेल नहीं खाता है तो लोग थोड़ी दूरी बना लेते हैं, मगर उलझते नहीं हैं, मगर ये हमसे उलझ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हम आदिवासी हैं तुम लोग को मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे नहीं, मंगई इस तरह की तो नहीं चलेगी हमारे साथ, और हम लोग के पास भी तथ्य हैं, सारी जानकारी है, और ये कि किसी एक अंग्रेज ने कुछ लिख दिया तो उसको हम आधार नहीं मान लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पूर्वजों ने किस तरह की कुर्बानियां दी, क्या इनका कोई इतिहास है ऐसा? मगर मेरे पास एक ऐसा कागज़ है जो बिहार के ही कुड़मियों के द्वारा तैयार किया है, जिसमें लिखा है क्योंकि ये क्षत्रिय रहे हैं इसलिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पुलिस फोर्स में, मिलिट्री फोर्स में अपने लिए जो है नौकरी मांगी, बिल्कुल ज़ोरदार मांग करके। तो जो नौकरी मांगेगा वो उनका विरोध तो कर ही नहीं सकता है, तो इनका तो अंग्रेज़ों के खिलाफ में कोई को विरोध का कोई इतिहास ही नहीं है, जहाँ हमारे अपने पूर्वजों ने किसी भी आदिवासी समुदाय के रहे हो, उरांव, मुंडा, संथाल हो, खड़िया जो भी हो, सब ने समय समय पे जो है बाहरी आक्रमण का जो है विरोध किया है, इतिहास बनाया है, वो हमारे पूजनीय हैं, हमारी अपनी सामाजिक और जो पारंपरिक व्यवस्थाएं भी जो इसी तरह से बनी हुई हैं, ये सारा कुछ जो है, और सब जो इस भूभाग में रहने वाले आदिवासियों का जो है, भले ही बोली भाषा या ये अलग हो,
पहनावा कुछ अलग हो, मगर जो है व्यवस्थाओं में काफ़ी मेल है, परंपराओं में मेल है और सोच विचार में भी मेल है और स्वाभिमान में भी आप देखिए उसी तरह का है कि भारियों का जो है भारियों से दूर रहने का और अपनी व्यवस्था में चलने का हमेशा से हमारा संस्कृति रहा है और उसी को हम लोगों ने सब में देखा है, मगर इनका तो बिल्कुल ही अलग है। जो लोकुर कमेटी 1965 में बनी थी उसमें जो मानक तय किए गए थे उससे तो इनका कहीं दूर दूर से रहता नहीं है। आगे हम लोग बाद में तथ्य पे आधार पे हम लोग बात करेंगे, आपके पास कागजात रहेगा, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा। आज हम लोगों ने आपका जो भी संवाद हम लोग आपस में किए, आगे हम एक दो सवाल आपसे करेंगे। जिस हिसाब से वो लोगों ने अपने आपको आदिवासी बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन किया, अभी आप लोगों को सरकार को दिखाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि हम लोग इससे सहमत नहीं है, इसलिए आप लोगों का रणनीति क्या होगा, क्या क्या कार्यक्रम आप लोग कर सकते हैं? देखिए जिस समय इन्होंने रेल रोको आंदोलन किया था उसी समय ही हम लोगों ने फौरी तौर पे बैठक की थी रांची में और फिर फौरी तौर पे ही हमने फिर विरोध प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम भी वहाँ पर 27 जो अगस्त को किया था जिसका जो है संदेश पुनः गया। वैसे तो कोल्हान में यहाँ पर पहले भी लोग कर चुके हैं मगर यहाँ पर जो है मतलब हम लोगों को लगातार जो है सभी जितने भी सभी दिशाओं में जितने भी हमारे अपने मुख्य आदिवासी समाज और सभी आदिवासी समाज जो हैं उन लोगों को सबको संगठित होकर इनका विरोध करना होगा। सरकार देखे कि हम इस तरह की जो चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, जो आदिवासी का कभी इन्होंने कोई भावना ही कभी नहीं रखी, इतने दिन तक हमें हेय दृष्टि से देखा, हमारे साथ भेदभाव किया, अन्याय किया, वो अचानक अगर ये आदिवासियत की का दावा करते हैं तो वो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ये सिर्फ रिसर्च भी कैसे बना, सब चीज़ सारी चीज़ों को देखा गया, तथ्यों को देखा गया कि मिलाप नहीं है, दुराव बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो तथ्य आपस में नहीं मिलते हैं वही कारण रिसर्च का भी मिला और जो समाज के इन चीज़ों को देख के ही तो कोई रिसर्च वर्क पेपर तैयार होता है। तो निश्चित रूप से सभी आदिवासी जो समाज है वो संपूर्ण आदिवासी समाज उद्वेलित भी है, आक्रोशित भी है इस बात को लेके कि इस तरह से हम लोग सेंधमारी अपने जो पारंपरिक और संवैधानिक अधिकारों में और क्षेत्र में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि अब राज्य स्तर पे सभी दिशा से आके हम लोग अपना जोरदार विरोध दर्ज कराएंगे ताकि सरकार भी देखे। वैसे तो ये प्रोसेस है, सारा प्रोसेस पे ही चलता है कि आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वो भी जो है TRI का ही जो है रिपोर्ट वो ही आगे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और जो मंत्रालय है उनके तरफ से भी वो ही जाएगा। और अभी तक तो इसलिए रुका हुआ था और मगर हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ये लोग धक्का देने वाली जो रणनीति अपना रहे हैं तो उसका विरोध भी हम लोग ज़ोरदार तरीके से करेंगे और ये कभी भी हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस हिसाब से हम लोग बात किए तो हम लोग आज का यहीं पर संवाद ख़त्म करते हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी को पुनः कोशिश रहेगा कि दोनों तरफ से हम न्यूज़ ये मतलब संवाद कराएंगे आप लोगों को और ये जनता की आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ है, इनको इनका बात को आप लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आगे भी आते रहेगा। जोहार, धन्यवाद।